हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए चेक करना चाहूँगी कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, टेक द लीड। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में आप जिनसे भी डील कर रहे हो, जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो सकता है कि कोई एक्शन ले, मेजर कोई डिसीजन ले। इतने दिनों तक अगर ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे तो अभी हो सकता है ये आगे आकर कोई एक्शन ले। ओके, अगर आप लोगों की फैमिली इन्वॉल्व है, आप लोगों की लव लाइफ में आप लोग सिंगल हो या फिर आप लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो यहाँ पर आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं। मैरिज की बात यहाँ पर हो सकती है। ओके, ओवरऑल आपकी लव लाइफ में कोई डिसीजन मेकिंग होने वाली है और ये कोई अदर पर्सन के इन्वॉल्वमेंट में हो सकती है, आपके पार्टनर या फिर आपके पेरेंट्स। ओके, और नेक्स्ट स्टेप पर आप लोग, सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर पर आप लोग जाने वाले हो लव लाइफ में। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उससे एक स्टेप और आगे आप लोग बढ़ने वाले हो। मूव, ये मैसेज आप लोगों के पार्टनर की तरफ से है। स्पेशली ये बहुत जल्द आपका हाथ मांगने आ रहे हैं। मैरिज की प्रपोजल आपको मिल सकती है आपके पार्टनर से और ये कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो ये लेने वाले हैं। मैरिज की ही यहाँ पर एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अरेंज मैरिज भी शो हो रहे हैं कि आपके फैमिली वाले अभी आपके लिए डिसीजन लेंगे और उनका जो मनपसंद का जो पर्सन होंगे, जो आपके लिए सही होगी, उनके हाथ में आपका हाथ थमाएंगे। ओके, तो लव लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन शो हो रहे हैं अगर आप अनमैरिड हो तो। और अगर मैरिज के बारे में आप सोच भी रहे हो, कोई पास्ट आपका है उसके बाद भी हो सकता है। ओवरऑल मैरिज की थिंकिंग अगर आपके माइंड में है या आपके फैमिली वालों के हाथ में है, तो यहाँ पर वो बात आगे बढ़ने वाली है, मतलब मैरिज फिक्स होने वाली है। ओके, कुछ लोगों के लिए अगर सेपरेशन है, आपके पार्टनर से आप दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तो आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके पास वापस आ रहे हैं। लव लाइफ में मूवमेंट यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो वही मैसेज है जो मैंने पहले भी कहा है कि एक स्टेप आप लोग और आगे बढ़ने वाले हो लव एंड यूनियन के टूवर्ड्स। फाइनल कार्ड आप लोगों के लिए, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। ओह माय गॉड, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो पर्सन आपके मन में है उस पर्सन के साथ आपकी मैरिज यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। मैरिज के बाद फिक्स्ड होगी। हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो उनके फैमिली वालों से आपको मिलवाए या फिर आपकी फैमिली वालों से आकर मिले, तो फैमिली के तरफ से यहाँ पर कोई एक्शन होते हुए दिख रहा है। लव मैरिज भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शो हो रहे हैं कि आप चाहते थे लव मैरिज में आगे बढ़ना और यस, आपके मनपसंद के पर्सन से ही आपकी मैरिज की बात फिक्स्ड हो जाएगी। ये जो वीक है ना, बहुत स्पेशल है। 8 पोर्टल बहुत स्पेशल होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि उसके पहले की ये एनर्जी है। वैसे तो ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आप देख रहे हो उसके आगे की एनर्जी को बता रही है, लेकिन अगर आप लोग इसको 8 पोर्टल से पहले देख रहे हो तो आप लोगों की लाइफ में मैसिव चेंज आने वाली है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा लव। ओके, क्योंकि लव की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है और आपका ड्रीम जो है फुलफिल होने वाली है। यहाँ पर भी दो हाथ है, यहाँ पर भी दो हाथ है। पार्टनर को लेकर आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं वो ड्रीम्स आपकी फुलफिल हो रही है। और ये इस रिलेशनशिप में, करंट अगर कोई रिलेशनशिप है, इसमें आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। डिवाइन यूनियन यहाँ पर शो हो रहे हैं। और अगर आप लोग सिंगल हो तब भी आप जिनको चाहेंगे या फिर जैसा पार्टनर आप चाह रहे हो वैसे ही किसी पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप, मैरिज या डिवाइन यूनियन होते हुए दिख रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जरूर से रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में लव एंड यूनियन लिखिएगा। ओके,